क्या उस एरिया के लोग उसे पसंद करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बस दो तीन मवाली लड़के उसके दोस्त हैं। एरिया के बाकी सभी लोग उससे तंग आ चुके हैं सर। एक नंबर का लफंगा है। सिर्फ मजा लेने के लिए वो लोगों को डराता है, उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान करता है। एक बार वो बाल कटवाने गया, अपनी बारी आने से पहले ही वो सीट पर बैठने जा रहा था। एक कस्टमर जो वेट कर रहा था उसने उसे रोका और वो सीट पर बैठ गया। बस फिर और क्या था, वो अपना सर मुंडवाने के बाद ही उस सीट से उठा। और अभी पिछले महीने की ही बात है, शराब के नशे में धुत होकर एक टीवी शोरूम में वो मैच देखने जा पहुंचा। वन बॉल थ्री रन, हाउ इज पॉसिबल? उस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था और बदकिस्मती से इंडिया मैच हार गया। दुकान का मालिक कौन है? बाहर निकाल! अरे ये क्या कर रहे? ये टीवी दुश्मन देश के जासूस हैं जो इंडिया की हार दिखा रहे हैं। ये सब तेरी गलती है भाई। इसने इंडिया हार गई। साले कमीने टीवी! बड़ों को क्या, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। बच्चों को नहीं छोड़ता मतलब क्या है? अरे हफ्ता वसूली का ना ऐसा ही स्टाइल रहता है। बोला भाई, इधर आ रे, चुप चुप, चलो निकलो। यहाँ तक कि अपने साथ घूमने वाले रॉबर्ट नाम के एक पंटर को वो धुलाई की दुकान बुलाता है। जब भी मारी को गुस्सा आता है वो किसी को भेजकर रॉबर्ट को बुलवाता है। रॉबर्ट की धुलाई करने के बाद ही उसका गुस्सा ठंडा होता है। आज जम्मू में बर्फ क्यों नहीं गिरी? अजय कालिया से पूछो ना। साला आज इतनी गर्मी क्यों है? थोड़ी बारिश लाना। ये मॉर्निंग इतने सुबह सुबह क्यों आ जाती? सुबह नहीं तो उठाने के लिए बोला था। साला मेरे को जवाब दे दे। साला रात को डरावना सपना देख रहा था, उठा नहीं सकता था, गधा कहीं का। ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली, किसी मिसिंग ने मुझसे शादी क्यों की? उसके साथ घूमने वाला एक और पंटर है, उसका नाम है शनिवार। शनिवार, ये कैसा नाम है? अभी शनिवार को दारू पीना तो आप उनके लिए एकदम कंपलसरी है। यानी बाकी दिन तुम्हारा ड्राई डे? अब ये कौन बोला? इसमें बोलने का क्या है, ऐसी होगा ना? ऐसा नहीं है, पागल है तू। बाकी दिन पीना तो और भी जरूरी है। तो सिर्फ शनिवार को पीना कंपलसरी क्या? शनिवार को पीना तो आप उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। खोपड़ी गुजारा है, हो गया कंफ्यूज। ये शनिवार अपने एरिया में से कुछ अलग अलग लोगों को सिलेक्ट कर लेता है और फिर मारी के सामने ले जाकर उनसे डांस शो करवाता है। किसी को डांस आए ना आए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मॉर्निंग भाई, जब जागो तभी सवेरा है। नया मुहावरा है भाई, मैंने अभी खड़े खड़े बनाया। आई आर द वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल टुडे नाइट वेरी स्पेशल प्रोग्राम बाय मारी एंड हिज टीम, सो प्राउडली प्रेजेंट द गेम हंसाओ या मरो। ये कैसा नाम है, हंसाओ या मरो? डांसर डांस करेगा और अगर मारी को हंसी नहीं आई तो डांसर मरेगा। अबे ब्रेक डांस करना रे। कैसा लगा भाई? ए इसके ठुमके में पंच नहीं है, मार रहे इसको। निकाल ठुमका, निकाल ठुमका। अभी निकला ठुमका, अच्छे से करना सामने देख के करना। हाँ बहुत हो गया, अगले को पेश किया जाए। आ जा, चल अभी तुम अटक। ये स्लो मोशन, ये तो मीना कुमारी है, कैटरीना वन। चल शाबाश। अरे पता है भाई के सामने डांस करना है तो पोज करके आने का ना डांस का। ये सब होता है यहाँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लोग उससे बहुत डरते हैं सर। कल ही यहाँ एक टूर्नामेंट हुआ था और हमेशा की तरह मारी ही जीता। उसके एरिया में पुलिस कुछ नहीं कर सके, नजरअंदाज करके अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? मारी के एरिया में जा रहे हैं हम। सर मुझे टिप मिली है कि कबूतर प्रतियोगिता में लीगल तरीके से बैटिंग होने वाली है। आज उन्हें दिखाता हूँ पुलिस की असली पावर। लेकिन सर बिना उसकी परमिशन के उसके एरिया में कैसे जाएंगे? क्यों, हम पुलिस हैं या वो पुलिस है? जीप स्टार्ट करो। कबूतरों की रेस से तुझे इस साल बैन किया था ना, फिर इधर क्या कर रहा है? चल वन टास की टैबलेट ले। रेस देखने आए, वो देखने पे भी बैन है क्या? उर, ए, निकलना, चल रे। देख देख झकास पलटी मारी ना। ए बुढ़ाऊ मस्त है ना? फर्स्ट क्लास था। ये क्या रे, इतनी जल्दी लैंड कर रहा है? इसको च्यवनप्राश ने खिलाया क्या? वो आंटी कौन है? आप उनके कबूतरों को वटका रहे लिए पागल समझा क्या बे? मैं उस औरत को जानता तक नहीं। क्या भाई कुछ भी बोल रहे हो आप? ए मैडम यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, कहीं और कपड़े सुखाओ। ए ये इसी की बीवी है? नहीं, नहीं। अपनी जोरू को ही पटाया, जीतने के लिए इतना गिर गया। शादी के बाद भी कोई बीवी को पटाता है क्या? ये तो इसी का माल है ना, 100% इसका ही है। ए बुढ़ाऊ तू लिख, किसने चीटिंग की है? ए बीवी के कंधे पे रख के कबूतर उड़ाता तू क्या? तेरे बच्चा अभी। ये लोग इधर क्या करने आए हैं? हर बार की तरह कीड़ा करने आए होंगे और क्या। मारी कहाँ है?
अभी ये देखो, एक तो बिना परमिशन के इधर घुस आए और ऊपर से मारी भाई का नाम भी इज्जत से नहीं ले रहा है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ बैटिंग हो रही है। बैटिंग यहाँ? ए, इन्हें किसी ने उल्लू बनाया है। हम तो इधर सिर्फ कबूतरों को उड़ाते हैं, उनको उड़ता हुआ देख के मजा आता है। यहाँ बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं होती है। बिना पुलिस परमिशन के ऐसी प्रतियोगिता करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसी वक्त इसे रोक दो और मारी को बुलाओ। और तुम इस भीड़ को हटाओ पीछे। क्या लफड़ा हो रहा है उधर? पीछे हटिए। आप उन लोग से प्रोटेक्शन मांगने आए क्या? नहीं भाई। तो फिर पुलिस वाले का इधर क्या काम है? जहाँ गुंडागर्दी होगी वहाँ यह पुलिस वाला भी होगा। गुंडागर्दी? हम तो शांति से इन कबूतरों को उड़ाते हैं, तो आप इसको गुंडागर्दी कैसे बोलते हो सर? हम तो इनको अपने सम्मान के लिए उड़ाते हैं, ना कि बैटिंग के लिए। लगता है आप उनके किसी दुश्मन ने आपको गलत खबर दी है। दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो गलत काम करते हैं। चले जाइए सर, आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे पास एविडेंस है जो तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। एविडेंस, 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 एविडेंस। बंदर की शक्ल इधर आ। अरे इधर आना। आजा 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 आजा। जल्दी आ। आजा रे। क्यों बे? पिछले साल तूने चीटिंग की तो तेरी क्या हालत की थी मैंने पता है ना। इस बार तो तेरी एंट्री फीस पर ही मैंने बैन लगा दिया, लेकिन इस बात के लिए तेरे को पुलिस वालों को मेरी झूठी कंप्लेंट देने की क्या जरूरत थी? नॉटी। सुन, यहाँ पे कोई इल्लीगल काम नहीं होता। उसने कुछ नहीं बोला है। अरे उसे जाने दे, मुझसे बात कर। अपन अच्छे से जानता है इसको। बोलना, बता ना साहब को क्या कर रहा है। डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? सर, कंट्रोल सर। पूछो इससे, यहाँ पे कोई गलत काम होता है क्या? वट लो। चलिए सर, चलते हैं। चलिए। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की काट डालूंगा। पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। सर, इस बात को दिल पे मत लीजिए। हम और कर भी कह सकते हैं, उसके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है। थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे सर। सिर्फ आप ही नहीं, दूसरे पुलिस वाले भी एडजस्ट करते हैं। मैं दूसरे पुलिस वालों जैसा नहीं हूँ। उसने मर्डर किया है और इसके लिए अगर मैं उसे लॉकअप में नहीं डाल सकता तो मेरी इस वर्दी का क्या फायदा? सर, अफवाह के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अफवाह का धुआं वहीं उठता है जहां पर सच की आग जलती है। किसी ने तुम्हें इस बात की खबर दी और उसे किसी और ने दी होगी। अगर हम एक सिरे से इन अफवाहों की कड़ियों को जोड़ते जाएं तो दूसरे सिरे पर हमें सच जरूर मिलेगा। कल से हम यही करेंगे और हमारी ये खोज मारी पर आकर ही खत्म होगी। मम्मी, मम्मी, आपने कहा था ना मुझे नया स्कूल बैग दिलाओगे? यहाँ घर चलाने के लिए पैसे नहीं है और तुझे नया बैग चाहिए? कुछ दिन पुराने वाले बैग से ही काम चला लो। बैग फट चुका है माँ, स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते हैं। शाम को आओगी ना तब सी दूंगी। जब देखो कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। कल अगर नया बैग नहीं मिला तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। मुझे क्या? मम्मी, मम्मी, प्लीज दे एक नया बैग, प्लीज मम्मी। लाउडस्पीकर कविता, मेरा मूड ऑफ है तो सुबह सुबह मेरे मुँह मतलब कह देती हूँ। लो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे चिल्ला चिल्ला के मेरी नींद उड़ा दी और मूड ऑफ हो रहा है तेरा। तेरी तो आवाज भी कितनी भद्दी है। मम्मी, मम्मी, लगता है मेंढक निकल लिया हो। हट। मम्मी, इसको कुछ बोलो ना, जब देखो तो चिढ़ाता रहता है। क्या कहे, वो एक नंबर का लफंगा है, उसके मुंह ही क्यों लगती है? सोच लो कि वो यहाँ है ही नहीं। तुमसे बात करना दीवार पर सिर फोड़ने जैसा है। फिर तू कौन सी कम है?
उठते ही बच्चे के साथ बहस करने बैठ जाती है। बैग ही तो मांग रही है बेचारी, ला क्यों नहीं देती? अच्छा पैसे कहाँ से आएंगे? तेरा आदमी दो दिन शराब नहीं पिएगा तो पैसे आ जाएंगे। तुझे इतनी पड़ी है ना, तो तू ही ला के दे देना। अगर आप उनसे शादी कर ली होती तो जरूर ला देता, चांस मिस किया ना। बदतमीज। इमारी, क्या तुमको मालूम था कि 8 नंबर में कोई किरायेदार आने वाला है? नहीं, अपन को तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब वो बिना परमिशन के अपन के एरिया में एंटर कर गए? अबे एमएफ हुसैन की औलादो, पेंटिंग रोको और उधर ही स्टेच्यू हो जाओ। बिना परमिशन के इधर पेंटिंग करने का नहीं, समझा गया? अब उनका कुछ इज्जत है कि नहीं इधर? मैडम आप बाहर जाओ, अबे तो स्टेच्यू है। अरे तुम खाली क्यों खड़े हो? ये लो घड़ी को दीवार पे टांगो। क्या आंटी जी ने बोला टांग दो? तो एक काम कर, अंदर जाके चाय बना ले। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू इधर हुल देने आया कि घड़ी टांगने आया? ये क्या किया, घड़ी क्यों तोड़ दी? ए आंटी, बिना परमिशन के इधर एंट्री मार के हमारी इज्जत का भाजीपाला कर डाला, ऊपर से हुल देती हो? ए कौन हो तुम लोग, क्यों शोर मचा रहे हो? शाने, इस एरिया में रहने के लिए मारी बाई का परमिशन लगता है, समझा क्या? अच्छा गुंडागर्दी कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी तक तो कॉमेडी कर रहा था, गुंडागर्दी तो इसे करते हैं। ये गुंडा अरे रुको, हमारे ब्रोकर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ये तो कह रहा है कि इसने बताया है। क्या? नहीं सर। ए कब बताया तुमने हमें? आप लोग को नहीं बताया था? तो फिर उनको बताया था। मर्द पे हाथ उठा दिया? ए मारी ब्रो, she is the only ladies। गैर मर्द को छूती है? तू लेडीज नहीं होती ना तो तेरी बत्ती सी तोड़ देता। अरे देखो ऐसा मत करना, कल ही इसने दांतों में सीमेंट भरवाया है। तो फिर दो बार ब्रश करने का ना, इसमें अपन लोग की क्या गलती? अपन लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। वही तो। हसीना, ब्रोकर ने तुम्हें बताया था क्या? हाँ, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ हम इन गुंडों को पैसे क्यों दें? कल जब मैं बुटीक खोलूंगी ये लोग फिर से पैसे मांगेंगे।